हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है विश्व के सबसे ऊंचे अर्थवर्क पे। जी हाँ, ये जो सामने आप अर्थवर्क का काम देख रहे हो, ये जो किया गया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, ये दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम है। ये वही प्रोजेक्ट है जिस पे दुनिया का पहला डबल डेकर मालगाड़ी के लिए सुरंग बनाया गया है। इसी जगह पे 1 किलोमीटर लंबा एक सुरंग बनाया गया है अरावली की पहाड़ियों को काटकर। दुनिया का सबसे पहला इसलिए है क्योंकि एक तो वो डबल डेकर हाइट की होने वाली है, और उसके बाद जो वो पूरा जो टर्नल यानी कि जो पूरा सुरंग बनाया गया है वो इलेक्ट्रिकल इंजन के लिए बनाया गया है। इस पे जो मालगाड़ी दौड़ने वाली है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजन होने वाला है उसमें। और ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इनके जो स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके स्टेशंस भी अलग होंगे, तो इनके जो स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, मालगाड़ी इस पर रुकेगी, उसकी जो लंबाई है वो है तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही बनाया गया है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो जो सुरंग है जिसका काम इस प्रोजेक्ट को ऊपर किया जा रहा है सोना में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। यूपी के दादरी से स्टार्ट होता है और ये जाएगा नवी मुंबई महाराष्ट्र तक। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, इसके कुछ पिक्चर्स मैं ट्विटर पर भी डाल दूंगा, तो अगर आप वहाँ पर हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। जी हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। ये यहाँ पे बनाए जा रहे हैं इसी प्रोजेक्ट के लिए पिलर्स, और यहाँ पर ये पिलर्स के ऊपर इसलिए होने वाला है क्योंकि बारिश का जो पानी है उसका जो कटाव है इस पूरे अरावली हिल्स का, उसका एक पॉइंट यहाँ पे भी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बनाया जा रहा है पिलर्स, जिस और इस पिलर्स के ऊपर से होकर गुजरने वाला है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है, यानी कि जो डबल डेकर मालगाड़ी है। क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे आगे आप देख रहे हैं इस तरीके से अर्थवर्क का काम किया गया, तो बारिश के पानी के बहाव से ये जो मिट्टी है उसका कटाव हो सकता है, इसलिए यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं। पहले बनाया गया प्लेटफॉर्म, और जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, इस प्लेटफॉर्म की ही हाइट की अगर मैं बात करूँ तो वो है 10 फीट का, और उसके बाद फिर उसके ऊपर पिलर है। क्योंकि अगर बारिश होता भी है तो बारिश का पानी इकट्ठा भी अगर इस जगह पर हो जाता है तो उससे पिलर्स को कोई डैमेज नहीं पहुँचने वाला है, और इसीलिए इस जगह पर आपको इतने बड़े हाइट के प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है जब अरावली हिल्स के बीचों बीच होता हुआ इंडियन रेलवे का डबल डेकर मालगाड़ी गुजरेगा। तो ये जो मालगाड़ी है ना, जो डबल डेकर होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे के लिए नहीं, ये पूरी कंट्री के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। यूपी के दादरी से जो नवी मुंबई महाराष्ट्र है वहाँ तक जो जाएगा, ये वहाँ तक ये 24 घंटे में कोई भी प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ़ायदा होने वाला है इसके आसपास जो भी कंपनियाँ हैं, क्योंकि अगर यहाँ से, जैसे कि आपको पता है मारुति की जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो यहीं है गुड़गांव में, तो उनको अपना अगर व्हीकल भेजना है महाराष्ट्र में तो वो बहुत आसानी से और बहुत सारा भेज सकते हैं एक बार में ही। जी हाँ, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है, और सिर्फ उसके लिए नहीं, इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर कुछ हालात कंट्री में कभी फ्यूचर में ख़राब होते हैं तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट एक है ये, लेकिन फ़ायदे इसके अनेक होने वाले हैं। इस जगह पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी ये जो पहाड़ है उनको काट कर हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है, और सामने आपको दिख रहा होगा जेसीबी, वो जो पत्थर है जो कि काटा गया है उनको इस
ट्रक पे डाला जा रहा है और फिर इसके बाद इसे यहाँ से आगे मूव किया जा रहा है। सामने यहाँ पे भी पिलर्स बनाए गए हैं और ये पिलर्स भी इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि बारिश का जो पानी है उसका भी कटाव इस जगह पे है, तो इसीलिए यहाँ पर पिलर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे जो पिलर्स का प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट अच्छी खासी है। ये जो आप पिलर का जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो आप, इसकी जो हाइट है वो 20 फीट है तकरीबन। उसके बाद फिर उसके ऊपर से आपको पिलर्स दिखने वाला है और यहाँ पर आपको बहुत सारी जेसीबी, बहुत सारी मशीनरी दिखने वाली है क्योंकि यहाँ पर अभी ये जो पहाड़ है इनको काट कर हटाए जाने का काम चल रहा है और फिर आगे की तरफ जो इसका जो सुरंग बना है 1 किलोमीटर लंबा उसमें जाकर ये कनेक्ट होगा। जी हाँ, और ये जब काट कर हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाएगा और ये यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है इस पूरे प्रोजेक्ट पे वो है L&T, और L&T काम कर रही है तो सोचो प्रोजेक्ट कितना खूबसूरत होने वाला है और कितना खूबसूरत बनकर तैयार होने वाला है। सिर्फ L&T नहीं, कुछ ये नामी गिरामी कंपनियाँ भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं। डिटेल आपके स्क्रीन पर है। ये देखो, ये जितना भी आप देख रहे हो पहाड़, इनको अभी काट कर हटाया जाना है और एक यहाँ ऊपर भी आपको एक जेसीबी दिख रहा होगा। यहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं ना उनके लिए एक लेग्स तो बनता है। देखो वो मशीन कहाँ पे है, कितना ऊपर। खतरों के खिलाड़ी हैं यहाँ पे जो टीम काम कर रही है ना। अभी तो लंच का टाइम है इसलिए टीम यहाँ पे अभी रेस्ट कर रही है। जैसे ही लंच का टाइम ख़त्म होगा उसके बाद ये जितनी भी मशीनरी यहाँ पे आपको दिख रही है वो सब इन चट्टानों को यहाँ से हटाने के काम में लग जाएंगी। तो ऐसा लगता है कि शायद हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। ये रास्ता जो देख रहे हो ये आगे जाके ऐसे ऊपर होते हुए फिर हमें जाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि मुझे लगता है कि ये जो बारिश हुई है कुछ दिन पहले ना उसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से ये जो रास्ता है वो बंद है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ये रास्ता है जो कि आगे की तरफ कहीं तो जा रहा है, तो मैं इस पर थोड़ा सा लेकर देखता हूँ कि क्या हम वहाँ तक जो ये सुरंग बन रहा है वहाँ तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं। मैं किसी और दिन आपको वो सुरंग दिखाऊंगा जब ये रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसके जैसा कि मैंने आपको दिखाया ना वहीं पे भूस्खलन हो रखा है इस जगह पे और इसी वजह से हम और आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो चलो यहीं से मैं यू टर्न लेता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।